यस, सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं, रिलेशंस पे, बेसिक ऑफ रिलेशंस पे। बिल्कुल, इलेवेंथ में बहुत ही एलिमेंट्री रिलेशन का पोर्शन है, ट्वेल्थ में काफ़ी एडवांस लेवल का रिलेशंस मिलेगा आपको पोर्शन। अब बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिएगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, राइट? यानी ऑर्डर पेयर का कोई भी एक सबसेट जो होगा वो रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन मतलब कोई भी आपस में किस तरह से रिलेटेड है। हम रिलेशन रेगुलर लाइफ में बात करते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ, फिर से सुनिएगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट? सपोज मैं लिखूं ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, राइट? तो अब इसको रिलेशन के टर्म में लिखना, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, राइट? अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। और एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या ए से बी रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपको कुछ कंसेप्ट जो मैं अभी क्वेश्चन करवाया था बताए थे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन मतलब होता है इनपुट, राइट? यानी ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एंट्री होगी, इंटायर फर्स्ट एंट्री इज कॉल्ड डोमेन। कोडोमेन होता है पॉसिबल आउटपुट, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या बी का जो हमने डिफाइन किया है। और रेंज होता है एक्चुअल आउटपुट, राइट? तो जो सबसेट आपने लिया है रिलेशन का, उसमें जो इंटायर जो एंट्री होगी वो रेंज बताएगी। जो सबसेट आपने डोमेन उसके लिए लिया ऑर्डर पेयर का, उसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी इंटायर, वो कहलाएगी डोमेन। और जब सेट की बात करेंगे हम कंप्लीट, तो वो कहलाएगा कोडोमेन पार्ट। तो मैंने इसमें यहाँ पे लिखा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डोमेन की बात करें, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द डोमेन ऑफ आर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स, जो ऑर्डर पेयर्स लिए विच बिलोंग टू रिलेशन। यानी जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, जो अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा, मतलब हमने मान लो सारे कोई सबसेट लिया, तो सबसेट जो लिया है जो रिलेशन वाला, उसमें जो फर्स्ट इंटायर एंट्रीज होंगी उसे हम बोलते हैं बेसिकली डोमेन, राइट? कोडोमेन में आप समझिएगा, कोडोमेन जब ही निकाल सकते हैं जब आपको ए और बी अलग से डिफाइन किया गया होगा। अब जैसे कोडोमेन में लिखा इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट बी, कंप्लीट सेट को बी को बोलेंगे, इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर, राइट? जैसे एक एग्जांपल से हम समझें, हम अगर एक एग्जांपल लें तो कैसे लेंगे बताता हूं मैं आपको, कि मैं आपसे बोलूं कि ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है सपोज ए कॉमा बी। अब मैं अगर एक रिलेशन लूं और रिलेशन में मैंने केवल ऑर्डर पेयर लिए 1a 1b एंड सपोज 2a, राइट? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस समय डोमेन बताएं, तो डोमेन इज डिनोटेड बाय डी, तो आप डोमेन बोलते हैं 1, 2। और अगर मैं इस समय कोडोमेन बोलता तो बी की जितनी एंट्री है वो सब, तो कोडोमेन ए कॉमा बी है। बट अगर मैं आगे जाके रेंज पूछूंगा, तो अभी बाय चांस क्योंकि ए और बी दोनों लिए हैं, अगर इसमें एक और एंट्री दे दूं सपोज थोड़ी देर के लिए सी, तो अगर मैं आपसे डोमेन कोडोमेन बोलूं, तो याद रखिएगा कोडोमेन मतलब, देखिए इसलिए लिखा है कोडोमेन, एग्जांपल से और क्लियर होगा। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो सेट जो बी है वो कोडोमेन कहलाएगा, तो कोडोमेन होगी ए बी सी। बट अगर रेंज की बात करूं, तो रेंज केवल होगी ए कॉमा बी। यानी जो ऑर्डर पेयर्स लिए हैं आपने, जो सबसेट लिया है, उसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो डोमेन रिलेशन में, और सेकंड जो एंट्री होगी इज कॉल्ड डोमेन, ओ सॉरी इज कॉल्ड रेंज। फर्स्ट एंट्री डोमेन, सेकंड एंट्री रेंज। और अगर कभी आपको बी सेट गिवन है, तो बी सेट के जो सारे एलिमेंट है उसे हम बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ पर कोडोमेन देखिए क्या लिखा, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। और रेंज में लिखा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द रेंज ऑफ आर, देन द रेंज ऑफ आर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स विच बिलोंग टू आर, राइट? क्वेश्चन से ये पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और डिटेल पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नोट डाउन, यस, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या एक्सरसाइज है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 14, डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। सबसे पहले रिलेशन ए टू ए है, ये ध्यान रखिएगा, आर
को कैसे डिफाइन किया, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x इक्वल टू y, एक तरह से 3x इक्वल टू y, राइट right? अब एक चीज याद रखना आपको, जब a क्रॉस a लेंगे तो ऐसे ऑर्डर पर लेना जो इसको क्रॉस ना करे, क्योंकि a में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 14, a क्रॉस a ही लेना है, 1, 2, 3 समझना, 14। अब आपको वो ऑर्डर पर लेना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो कैसे लेंगे मैं आपको बताता हूँ, रिलेशन अगर मैं लिखूं तो मेरे पास रिलेशन होगा, मैं क्या क्या ले सकता हूं, 1 अगर x की जगह 1 रखूंगा तो y मिलेगा 3, 1 के बाद 2 रखा 6, 2 रखा तो 6, 3 रखा तो 9, 4 रखा तो 12। अब अगर आप सपोज 5 रखते तो 15 हो जाता, और 15 पॉसिबल नहीं होता क्योंकि x कॉमा y बिलोंग टू a बोला है तो 15 नहीं आता। तो ये टोटल ऑर्डर पेयर बनता है, यानी ये देखिए 4, 12। तो अभी हमने जो डेफिनेशन लिखी थी उसको एक बार फिर समझें लॉजिकली कंसेप्चुअली। तो ए क्रॉस ए के जो ऑर्डर पेयर होंगे वो क्या क्या होंगे, वो लॉजिकली तो 1, 1, 1, 2, 1, 3 से लेके 1, 14, लॉजिकली देखें तो 14 × 14 यानी 196 ऑर्डर पेयर होंगे। तो इसका वो सबसेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इज कॉल्ड रिलेशन, क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो एनी सबसेट ऑफ रिलेशन, राइट, एनी सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये आ गया हमारा। अब अगर मुझसे डोमेन बोली जाए तो डोमेन हमेशा रिलेशन का पार्ट होती है, तो डोमेन में यहां बोलूंगा 1, 2, 3, 4। अगर मुझसे रेंज पूछी जाती तो मैं बोलता 3, 6, 9, 12, रिलेशन से ही डोमेन और रेंज बताई जाती है। बट अगर कभी को डोमेन बोला जाए तो को डोमेन सेकेंड पार्ट होता, अब यहां पर ए क्रॉस ए बी होता तो बी तो ए क्रॉस ए तो ए ही लेंगे, तो यहां पर अगर को डोमेन बोले तो 1, 2, 3, 4 up to 14 होगी, राइट। मींस सिंपल सा लॉजिक है कि जो कंडीशन है उससे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे आप, तो 3x इक्वल टू y, मैं y की x की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं रख सकता, नहीं तो y a को बिलोंग नहीं करेगा। अगर आपने 5 रख दिया तो 15, 15 a को बिलोंग नहीं करता। तो जो ऑर्डर पेयर बना रिलेशन का जो सबसेट है, इसका एक सबसेट हुआ ये, और ये रिलेशन है, तो इसका जो फर्स्ट एंटायर एंट्री होगी वो डोमेन, सेकंड एंट्री रेंज। पर अगर कभी कोडोमेन बोला है तो अगर ए क्रॉस ए का सबसेट लिया है तो ए वाला जो पार्ट होगा वो कोडोमेन कहलाएगा, ए क्रॉस बी लिया था तो बी की एंटायर एंट्री जो होती वो कोडोमेन कहलाती। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू, देखिए रिलेशन कभी भी विदाउट कंडीशन नहीं निकाल सकते, इसीलिए फंक्शन के साथ दिया हुआ चैप्टर होता है। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 से रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स और वाई जो दोनों हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक बात ये बोली गई है, इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है एज वेल एज हमें डोमेन एंड रेंज बताना है, राइट। कैसे करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है और काफी सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। अगर हम यहाँ ए से ए ले, ए क्या है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 लेस देन इक्वल टू बोला है, राइट right? और यहां पर वाई भी एन को ही बिलोंग कर रहा है पर हमें केवल एक्स के बारे में पता है, ओके okay? अब अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो हम अगर इसमें देखें तो ये सॉरी 4 तक नहीं लिखना था, लेस देन 4 बोला है तो 4 तक, तो रिलेशन क्या है x कॉमा वाई सच डैट y इक्वल टू x प्लस 5, तो लॉजिकली जो ऑर्डर पेयर होने चाहिए वो ऐसे होंगे x और y की जगह x प्लस 5, राइट। और x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, लेस देन 4 मीन्स 1, 2, 3, तो ऑर्डर पेयर क्या होंगे बताइए, ऑर्डर पेयर होंगे 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8, ये हो गए ऑर्डर पेयर्स, ये रोस्टर फॉर्म भी हो गई, ये ऑर्डर पेयर हो गया, राइट। रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है बट हम x के इनपुट के अगेंस्ट ही रेंज ले सकते हैं। अब अगर इसकी डोमेन पूछी है तो आप बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन 1, 2, 3, और रेंज ऑफ रिलेशन अगर बात करूं तो 6, 7 एंड 8, राइट। नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी आपके बनना चालू हो जाएंगे यहां से। ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 5 एंड बी है 4, 6, 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर x, y such that the difference between x and y is odd. Means आपको ऐसा रिलेशन establish करना है जिसमें कि difference between x and y odd हो।
राइट यहां पर ए क्रॉस बी के सबसेट लगेंगे, समझिएगा लॉजिकली। अगर मैं बोलूं ए और बी के ऑर्डर बताइए, ऑर्डर पे बताइए, तो आप ऐसे बोलते हैं 1 4 1 6 1 9, समझिएगा, फिर 2 4 2 6 2 9, टोटल कितने बनते, 4 × 3 18, वो सॉरी 4 × 3 12। अब 12 नहीं बनाने हमको, यही एक चीज समझनी है जो कई बार समझ में नहीं आती। जैसे अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए बनाता हूं, चलिए 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9, कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में रिलेशन है क्या, वो कैसे समझेंगे बताता हूं मैं आपको। 5 4 5 6 5 9, राइट ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका कोई सबसेट रिलेशन कहलाता है, और कौन सा सबसेट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम समझें, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो ये कहना चाहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, 1 4 हो सकता है, इसका डिफरेंस ऑड है, 1 6 हो सकता है, 1 9 नहीं होगा क्योंकि 8 हो गया। तो रिलेशन मतलब कंडीशन से बना हुआ, यानी ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर है वो सारे नहीं होंगे, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो कंडीशन है कि उनका डिफरेंस ऑड हो, अगर डिफरेंस ऑड एंड इवन होता तो पूरे लेते हैं। अभी ऑड वाले देखेंगे तो 1 9 नहीं होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, फिर ये 2 9 लिखा था, 2 9 होगा, 3 4 होगा, 3 6 होगा, 3 9 होगा, 5 4 होगा, 5 6 होगा, 5 9 नहीं होगा, ये बन गए ऑर्डर पेयर। अब इसमें किसी का भी डिफरेंस देखिए, सभी का डिफरेंस ऑड है कि नहीं, जैसे 3 9 मैंने गलत इसलिए लिखा था, इसका डिफरेंस 6 है, ये नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि केवल वही लेना है जिनका डिफरेंस ऑड हो। तो 1 के साथ, अब ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, आप 1 के साथ 4 लेते, 1 के साथ 6 लेते, बट 1 के साथ 9 नहीं लेते, तो 1 4 1 6। अब 2 के साथ देखिए, 2 के साथ केवल 9 ही आएगा, 3 के साथ देखिए, 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 9 नहीं आएगा, 5 के साथ 4 आएगा, 5 के साथ 6 भी आएगा, 5 के साथ 9 नहीं आएगा। अब इस केस में मैं आपसे सपोज थोड़ी देर के लिए डोमेन पूछता, तो आप डोमेन बोलते, इसकी रिलेशन की होती है डोमेन, याद रखना, तो क्या बोलते हैं आप, 1 2 3 5। अगर मैं इस केस में आपसे रेंज ऑफ रिलेशन पूछता, वो आदत फंक्शन की कई बार लिख देता हूं, रेंज ऑफ रिलेशन पूछता, तो आप बोलते 4 6 9, 4 6 and 9, राइट ये रेंज होती है। और अभी देखिए, अगर मैं कोडोमेन बोलता तो 4 6 9 ही है, तो कोडोमेन, एक बात याद रखिएगा, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन बी सेट होता है पूरा, पर रेंज डिपेंड ऑन रिलेशन की, कैसे रिलेशन क्या है। डोमेन 1 2 3 5, बाई चांस 1 2 3 5 इसी का सबसेट होगा ए सेट का ही, क्लियर है बात, नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए एक फिगर बना हुआ है और अकॉर्डिंग टू फिगर आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। आर रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, ऑल्सो फाइंड डोमेन रेंज। तो अगर हम सबसे पहले रिलेशन देखें तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, 5 3 के साथ 6, 4 के साथ 7, 5 के साथ रिलेटेड है, राइट। और P और Q का रिलेशन बोला है यहाँ पर। अगर आपसे इसमें डोमेन पूछें तो डोमेन आप बोलते हैं 5 6 7, अगर मैं रेंज बोलूँ तो आप रेंज बोलते हैं 3 4 5। अगर आप ध्यान दें तो इसमें 2 का डिफरेंस है, तो रिलेशन कैसे रहा होगा, समझे, हम ऐसा बोल सकते हैं x, y such that x belong to P, Q belong to y belong to Q and relation है y equal to, आप देखें तो यहां पर x माइनस 2 भी लिख सकते थे हम। अब देखिए 5 3 है, 6 4 है, x प्लस 2 भी लिख सकते थे, 2 का डिफरेंस है एक्चुअल में देखें तो। इसमें देखिए अगर हम x में x 5 है तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, तो y equal to x minus of 2, नोट डाउन। यस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशंस ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। देखिए रिलेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी
एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस, ऐसा इसलिए जैसे हम लोग दुनिया में हजारों लोग हैं पर हमारा रिलेशन बहुत थोड़े से लोगों से, यानी एक सबसेट हुआ। इज सेम थिंग कि हमको यहाँ पर अगर ए क्रॉस ए मैं बोलूँ, ए बी क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है, तो ए क्रॉस ए तो बहुत 5×5 टोटल 25 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3 ऐसे बनते जाएंगे। हमें सब नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हमको वो लेना है a, b जिसमें b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, a से होना चाहिए। इसका मतलब जो रिलेशन है वो क्या होगा, आप देखिए समझिए। जैसे मैं बोलूँ 2 related to b 3 तो आप बोलोगे नो, वाई, क्योंकि हम 3 में 2 का डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ 4 relation to 6 देन अगेन आप नहीं ले सकते, क्योंकि 6 में हम 4 का एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, 6 में 4 का। तो आपको वो लेना है जिसमें कंप्लीटली डिवाइड हो, लाइक जैसे 1, 1, 1 के साथ तो सभी जाएंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6। अब 2 के साथ देखिए क्या क्या होगा, 2 के साथ होगा 4, 2 के साथ होगा 6, 3 के साथ क्या होगा, 3 के साथ एक 3 भी होगा, 3, 3, 3, 6, राइट, 3 के साथ 3, 6। अब और क्या क्या हो सकते हैं सोचिए, देखिए जैसे हमने 3, 3 लिया है वैसे 2, 2 भी हो सकता है, वैसे ही 4, 4 भी हो सकता है, और वैसे ही 6, 6 भी हो सकता है, राइट। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, 1, 2, 3 ऐसे मिल गए हमको, तो ये तो हमको मिल गया ऑर्डर पेयर, यानी ये रिलेशन आ गया। अब आपसे अगर डोमेन पूछी है तो आप फर्स्ट पार्ट लिख दें, रेंज पूछिए तो आप सेकेंड पार्ट लिखते हैं, राइट, नो डाउन, यस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखिए क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर x, x+5 सच दैट x बिलोंग टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब यहां पर देखिए x को किस ढंग से डिफाइन किया, यहां पर हम वैल्यू लेते चले, जैसे मैंने लिया x की वैल्यू, देखिए रिलेशन कितने इजीली बनेगा, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0, 0 रखो तो 5, राइट, 0 के बाद 1 रखिए तो 1, 6, इस ढंग से रिलेट करना है, 1 के बाद 2 रखिए तो 2, 7, 3, 8, बोलिए 4, 9, 5, 10। अब सपोज आपसे डोमेन पूछी है तो आप बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। सपोज आपसे रेंज ऑफ फंक्शन पूछा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, किस ढंग से डिफाइन किया रिलेशन, बस वो एक काम आपको करना है, नो डाउन, यस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखिए क्या, राइट द रिलेशन आर x, x³, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, राइट, लेस देन 10 मीन्स बिल्कुल सिंपल है, इस कंडीशन को देखते हुए रिलेशन बनाना। अब x और x क्यूब में x क्या बोला है, लेस देन 10, तो 2, 3, 5, 7, राइट, ये प्राइम नंबर होगा। अब रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, सिंपली बोलिए अगर हम देखें इसकी रोस्टर फॉर्म तो 2, 2 cube, 3, 3 cube, 4, 5 cube and 7, 7 cube, चाहे तो ऐसा लिखा रहने दें, चाहे तो सॉल्व कर लें, 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7, 343, राइट। डोमेन पूछी होती 2, 3, 5, 7, रेंज पूछी होती 8, 27, 125, 343, नोट डाउन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, ए क्या दिया हुआ आपको, 8 क्वेश्चन है, 1, 2, बी दिया आपको 3, 4, राइट, ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, लिस्ट देम करना है, राइट। सबसे पहले अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी कितना होगा, तो सिंपल 2×2, 4 होगा, 1, 3, 1, 4, 2, 3 and 2, 4। अगर सबसेट की बात करें तो 2 power 4 में 16 सबसेट होंगे, और इस तरह का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ भी था। अब वो सबसेट क्या क्या होंगे, देखिए एक तो एम्प्टी सेट हो गया, एक आप लोगे 1, 3 सिंगल के साथ लेंगे, 1, 4, 2, 3 and 2, 4, राइट, फिर 2, 2 के एक साथ ले लीजिए, लाइक 1, 3, 1, 4, यस और नो, 1, 3, 2, 3, 1, 3,
टू फोर सिक्स बनेंगे इसके, फोर सी टू, फिर वन फोर टू थ्री, वन फोर टू फोर एंड टू थ्री टू फोर, राइट। फिर थ्री थ्री के ले लीजिए लाइक वन थ्री वन वन फोर टू थ्री। अब थ्री के कितने होंगे, फोर सी थ्री मतलब फोर, राइट। वन क्या होगा, वन थ्री वन थ्री वन फोर टू फोर, एक होगा वन थ्री टू थ्री एंड टू फोर, राइट। एक ये भी होगा वन फोर टू थ्री एंड टू फोर, और एक कंप्लीटली ये होगा वन थ्री इट्सेल्फ, वन फोर टू थ्री एंड टू फोर, राइट। नोट डाउन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्या क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड मीन्स इंटीजर, डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब आप लॉजिकली समझिए, जो आप रिलेशन बनाएंगे, वन 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 माइनस वन जीरो, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, वन टू वन थ्री टू वन, कोई भी रिलेशन बना लें, इनफाइनेट एलिमेंट मिलने वाले हैं, क्योंकि a माइनस बी का रिजल्ट भी एक इंटीजर होगा, इसका मतलब डोमेन भी इंटीजर, एंड डोमेन भी इंटीजर एंड रेंज इज ऑल्सो इंटीजर, राइट। नोट डाउन।